जो औरत लंबे समय से सेक्स नहीं की रहती उसके अंदर ज्यादा पानी होता है। जब हम सेक्स करते हैं तब औरत स्खलित होती है, तब महिला की योनि से निकलने वाले द्रव्य के कारण फच फच की आवाज आती है। जब ये आवाज आए तब समझ जाना चाहिए कि औरत स्खलित हो चुकी है। शारीरिक संबंध बनाना हम सभी की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सेक्स की प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में बहुत बदलाव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर से काफी साइकोलॉजिकल सेक्स करने की यह प्रक्रिया बहुत ही जटिलताओं से भरी होती है कि जब भी एक महिला और एक पुरुष साथ में संभोग करते हैं तो पुरुषों के साथ महिलाओं का पानी निकलता है। जो लड़कियां जल्दी उत्तेजित नहीं होती या सेक्स करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, अगर उनके योनि में उंगली किया जाए तो वह तुरंत उत्तेजित हो जाती है और हमेशा सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है और आपके साथ ही स्खलित होती है। नई और कुंवारी लड़कियों के मुकाबले शादीशुदा औरतों में संबंध बनाने की इच्छा ज्यादा होती है। जो औरतें अपनी छाती को पूरी तरह ढककर नहीं रखती, ऐसी औरतें बहुत ही ज्यादा कामुक और सेक्सी होती हैं। लाइक में बिना शादीशुदा लोगों की तुलना में शादीशुदा लोगों के हस्त मैथुन करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पानी जैसा स्राव स्वस्थ योनि का कारण है। डिस्चार्ज की मात्रा मासिक धर्म पर निर्भर करती है। ओवुलेशन के समय, यौन उत्तेजना के दौरान या स्तनपान करा रही हो तब अधिक स्राव होगा। गर्भावस्था में या व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी होने पर इसकी मात्रा या गंध अलग हो सकती है। लड़की का सबसे गर्म अंग है उसकी योनि और आपकी पार्टनर सेक्स का दुगुना मजा उठा पाएंगे। महिलाओं में सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग होता है जांघों, जांघों का अंदरूनी हिस्सा जो कि बहुत ही संवेदनशील होता है। जब दोनों शरीर एक दूसरे में समाकर एक हो जाते हैं, दोनों शरीर के कुछ उत्तेजित अंग आपस में लिपटकर एक दूसरे के रस को छकते हुए इतने आनंदित हो जाते हैं कि संसार के प्रत्येक दुख को भूलकर थोड़े समय के लिए उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां केवल दोनों का मिलन होते ही संभोग की क्रिया का वो पल जिसके लिए स्त्री संभोग या कामोत्तेजना के दौरान महिला योनि माध्यम से निकलने वाला द्रव मूत्र मार्ग द्वारा छोड़ा गया द्रव है। यह एक संकेत है जो दर्शाता है कि महिला पल का आनंद ले रही है और वह भी एक समान भागीदार है। द्रव रंगहीन और गंधहीन होता है और इसमें फ्रक्टोज होता है जो एक शर्करा ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कई एंजाइम भी होते हैं जो गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे नुस्खे के बारे बताऊंगा, अगर आपने उसे खा लिया तो महिला 60 की उम्र में भी महिला की चीखें निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 4-5 अंजीर, उसे रात में दूध में भिगोकर रख देना है, फिर सुबह के समय इसमें एक चम्मच मिलाना है शिलाजीत, फिर इसे खा ले। इसे करने से मात्र 7 दिन में 60 की उम्र में भी चीखें निकलवा सकते हो। जब कोई स्त्री अपनी योनि छटवाती है तो योनि को चाटने का सही तरीका होता है कि योनि के सबसे ऊपरी भाग पर उपस्थित दाने योनि के केवल क्लिटोरिस को जीभ से छाटा जाए, योनि के ऊपर उपस्थित दोनों उंगलियों से हटाकर जीभ घोलाई में क्लिटोरिस के ऊपर फेरा जाना चाहिए। चारों तरफ के भाग पर भी जीभ फेरी जा सकती हैं।